वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवांगी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं पूरा जैसलमेर कवर करने वाली हूँ एंड मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कि जैसलमेर में क्या क्या पॉइंट्स हैं कवर करने के लिए और दिल्ली टू जैसलमेर कहाँ कैसे कैसे आप पहुँच सकते हो, कितना टाइम लगता है, होटल्स वगैरह यहाँ पर कैसे हैं। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिल्ली टू जैसलमेर आप आ सकते हो बाय ट्रेन, बाय बस या फिर बाय कार। हम लोग आए हैं बाय रोड, बाय कार। कल मैं निकली थी अप्रॉक्सीमेटली 3-4 बजे के अराउंड दिल्ली से एंड अभी मैं बीकानेर में हूँ बिकॉज पूरा एक गो में आप जैसलमेर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, 12-13 घंटे लग जाते हैं। सो दैट इज़ वाई मैंने बीकानेर में अभी एक स्टे लिया है। कल रात को मैं 11-12 बजे के अराउंड बीकानेर आ गई थी एंड यहाँ पर मैं रुकी हूँ एक बहुत ही अच्छे पैलेस में जिसका नाम है गजनेर पैलेस, जहाँ जो बीकानेर मतलब जो ऑन द वे ही आता है। अब यहाँ से हम आज निकलेंगे जैसलमेर के लिए। जैसलमेर फोर्ट में आपको पूरा एक्सप्लोर करवाती हूँ जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू लिविंग फोर्ट इन द वर्ल्ड एज नियरली 1/4 ऑफ द ओल्ड सिटीज पॉपुलेशन स्टिल रिजाइड्स विद इन द फोर्ट एंड इस फोर्ट को स्वर्ण फोर्ट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द येलो सैंडस्टोन्स टर्न्स टू गोल्डन व्हेन सन रेज फॉल ऑन देम। जैसलमेर फोर्ट में ही म्यूजियम है जहां आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी विच डिपिक्ट्स द रिच एंड रॉयल लाइफस्टाइल ऑफ द महाराजा फ्रॉम देयर आर्ट क्राफ्ट्स, वेपन्स, कॉस्ट्यूम्स एंड अदर आइटम्स दैट शोकेस द हेरिटेज कल्चर। ऊंचाई पर बना ये फोर्ट राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है जिसको कि राजा रवल जैसल ने बनवाया था। ये है इस फोर्ट का एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट जहां से पूरा सिटी व्यू दिखता है एंड बहुत ही सुंदर लगती है ये गोल्डन सिटी। ये है हमारी गोल्डन सिटी। यहाँ पे उनके कपड़े भी रखे हुए हैं, बहुत ही लंबा एक गाउन है उनका और पूरा काफी सारी चीजें रखी हुई है।
तो ये काफी अच्छा है, अच्छा रूम है, और इतना बड़ा ड्रेस तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं है। में ही ये एक बहुत ही सुंदर प्लेस है जहाँ पे है द ग्रेट ग्रैंड कैनन, और यहाँ से जो सिटी का व्यू आता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। यहाँ बैठ के काफ़ी अच्छा लगता है, पूरी गोल्डन सिटी दिखती है, और बाकी जो मॉन्यूमेंट्स है जैसलमेर में वो भी यहाँ से क्लियरली विजिबल है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज यहाँ से बहुत सुंदर व्यू है सिटी का। इस फोर्ट में ही आपको काफ़ी सारी ट्रेडिशनल शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप ड्रेसेस, बैग या ज्वेलरी वगैरह ले सकते हो, एंड ये ट्रेडिशनल शॉप्स पूरे फोर्ट के सराउंडिंग्स में है, यानी कि पूरे फोर्ट की बाउंड्रीज को कवर करते हैं, एंड यहाँ काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं, तो आप काफ़ी अच्छी शॉपिंग यहाँ से कर सकते हो। तो ये हम आए हैं फोर्ट के पास एक हवेली में जो एक काइंड ऑफ म्यूजियम है, तो वो पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ के कैफेज में ऑलमोस्ट सारे कैफेज से जैसलमेर फोर्ट का व्यू दिखता है, एंड नाइट व्यू तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, पूरा लाइट्स चमक रही है फोर्ट के अराउंड, एंड कैफे का जो खाना है वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी फूड है, एंड काफ़ी इंजॉय किया हमने यहाँ पर। करके आए हैं कैंप्स में, डेजर्ट ड्रीम कैंप में रुके हुए हैं हम, तो चलिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। जगह है ये, और यहाँ पे शोज भी चल रहे हैं काफी सारे, तो वो भी हम एंजॉय करेंगे आज पूरी रात। एक और बेड यहाँ भी लगा हुआ है, ये कवर्ड है, यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है, देन यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, सुंदर काफ़ी है, एंड इसके बाद यहाँ पे वॉशरूम है जो कि काफ़ी बड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बड़ा वॉशरूम है, ये मिरर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे अपने घर पर भी ऐसा एक मिरर लगाना है, सुंदर लगते हैं इसमें काफ़ी। सो अभी बस हम थोड़ा सा चेंज करके बाल वाल ठीक करके, बिकॉज फोर्ट में गए थे तो काफ़ी बाल ख़राब हो गए थे ना उस टाइम पे, हवा चल रही थी इसलिए, तो वो चेंज करके थोड़ा और बाल वाल ठीक करके हम लोग बाहर ही जाएंगे, बिकॉज पूरा वो जो प्रोग्राम हो रहा है वो इन्जॉय करेंगे, एंड देन हमारा डिनर भी है तो वो भी करेंगे। सो चेंज करते हैं। जैसलमेर में डे टू, और हम लोग जा रहे हैं डेजर्ट सफारी करने के लिए, अभी बज रहे हैं 7:45, इस वाली सफारी में हम जाएंगे जो कि थोड़ी सी क्लीन हो रही है। जैसलमेर में
आने के बाद डेजर्ट सफारी सैंड ड्यून्स में जाना इज़ अ मस्ट थिंग टू डू, बिकॉज़ एक ही बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। सफारी आप जीप से भी कर सकते हो, देन कैमल राइड होती है, आप एटीवी चाहो तो एटीवी भी चला सकते हो। जीप से हम आ चुके हैं एक पॉइंट तक, हमारी जीप यहाँ खड़ी हुई है एंड यहाँ से अब हम करने वाले हैं एटीवी राइड, जो कि यहाँ है। यहाँ से हम पूरा अंदर डेजर्ट में जाएंगे और इस एटीवी राइड को खुद भी ड्राइव करने की मेरी इच्छा है, बट देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है। सो अभी हम यहाँ से एटीवी से जाएंगे एंड देन पूरा अंदर डेजर्ट जाएंगे। एटीवी राइड करना एक अलग ही थ्रिल, एक अलग ही एक्सपीरियंस है, जो कि फॉर श्योर करना चाहिए। एंड मैंने भी चलाई थी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चलाने में, बट मज़े बहुत आते हैं और इतना फन होता है, इतना अच्छा लगता है अंदर से, बहुत ही मज़े आते हैं चलाने में। जीप और एटीवी राइड के बाद ये कैमल राइड तो बनता ही है, बिकॉज जैसलमेर में आए हैं तो कैमल राइड तो करना ही करना है। ये कैमल राइड करने में हमें काफ़ी मज़ा आया था एंड कैमल रनिंग भी होती है यहाँ पर, बट क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था तो मैंने किया नहीं था। और मेरे ऑलरेडी जीप और एटीवी राइड करके ब्रूजेस भी आ गए थे पैर में, तो इस वजह से मैं सोची थी कि अगर कैमल रनिंग करेंगे तो फिर कहीं और ना चोटें लग जाए। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस कैमल राइड का, एटीवी राइड का और जीप सफारी का बहुत ही अमेजिंग था, जो कि हाईली रिकमेंडेड है जो जब भी आप जैसलमेर आते हो। एक्साइटेड थी कैमल राइड करने के लिए, बट थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, बट मज़ा आ रहा है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस अपने होटल। थोड़ी सी धूप भी निकल आई है तो जैकेट उतर गई है, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, बहुत मज़े आए हमें। गाइस ये था हमारा पूरा डेजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस, काफ़ी मज़े आए एटीवी राइड करके, कैमल राइड करके और जीप सफारी करके भी। एंड पूरा डेजर्ट डेजर्ट है तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्जॉय कर रहे हैं। अभी हम फोटोज लेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे। वापस आई हूँ कैंप में ही और नहाकर चेंज किया है, बिकॉज पूरा वहाँ पे सैंड की वजह से मेरे बाल ख़राब हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, अभी भी ख़राब सी है हेयर वॉश करने के बाद भी। बट हाँ, अभी हम लोग थोड़ी देर में बस यहाँ से निकलेंगे एंड हम जाएंगे एक बहुत ही स्पेशल जगह पे जो मैं आपको दिखाऊंगी, सो डू वॉच टिल द एंड। बस निकल रहे हैं अभी हम और वो स्पेशल जगह पर जा रहे हैं।
ऑफ रोडिंग करके जाएंगे। ये है एक्चुअल राजस्थान, अब फील आ रहा है कि हाँ हम जैसलमेर में हैं, शायद कभी भी बॉर्डर पे पहुंच सकते हैं। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल जैसलमेर से 2 आवर्स के डिस्टेंस पे है एंड इस जगह को लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स भी बोला जाता है। मोस्टली जो टूरिस्ट होते हैं वो जैसलमेर आते हैं बट यहाँ पे नहीं आते हैं, बट मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे आना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है वॉर के बारे में, जो उस टाइम लोंगेवाला वॉर हुई थी जब पाकिस्तान आर्मी ने हमारे ऊपर अटैक किया था एंड हमारे पास सोल्जर्स काफ़ी कम थे यहाँ पर, बट स्टिल हमने वो वॉर जीता था। तो वो पूरी हिस्ट्री जानने मिलती है एंड बहुत ही मोटिवेटेड फील होता है यहाँ पर आकर। तो अब मैं आ चुकी हूँ लोंगेवाला वॉर मेमोरियल पे, जो कि मैं आपको दिखा रही थी। काफ़ी सुंदर इसका रूट है आने का, बहुत ही डिस्कनेक्टेड प्लेस है ये, क्योंकि पूरा डेजर्ट से होते हुए आना पड़ता है एंड ये बहुत सुंदर जगह है। पूरा मेमोरियल बनाया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सोल्जर्स की याद में जो बनाई हुई है, तो अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये आप देखिए, यहाँ से जो बॉर्डर है वो यहाँ से 15 किलोमीटर ही है जस्ट, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। इस साइड अगर आप जाते हैं तो 15 किलोमीटर ही हमारा बॉर्डर आ जाता है। यहाँ पे पूरा एक ये बताया हुआ है कि कैसे हुई थी वॉर। यहाँ से जैसे पाकिस्तान आर्मी आई थी, ये इंडियन बॉर्डर है, इसको क्रॉस करके BP-638 यहाँ तक लोंगेवाला तक आई थी एंड यहाँ पे पूरा बैटल हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें इंडिया की साइड से 120 सोल्जर्स थे एंड पाकिस्तान की साइड से बहुत पूरी बड़ी आर्मी थी, बट स्टिल उन्होंने इंडिया के सोल्जर्स ने लड़ के उनको मार गिराया था एंड देन वो यहीं से वापस चले गए थे। तो ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव एंड ये जैसे आपको दिख रहा है, ये एक टैंक जो हमने कैप्चर किया था पाकिस्तान आर्मी का। ऐसे ही बहुत सारे टैंक और भी हैं यहाँ पे, मैं ये करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर आके काफी मोटिवेशन तो आ रहा है और देख के इतने सारे चीजें टैंक्स जो रखे हुए हैं अंदर और भी चीजें रखी हुई है, वो देख के भी काफी अच्छा लग रहा है। सो अभी देखकर यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आने के बाद आपको और भी बहुत सारी स्टोरीज पूरा डिटेल में पता चलेगा उस वॉर के बारे में, काफ़ी अच्छा है। थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, लोग जैसलमेर तक आते हैं और यहाँ पे शायद नहीं आते इतने लोग, बट आना बहुत ज़रूरी है। थार डेजर्ट के हार्ट में बना ये सुंदर सा वॉर मेमोरियल उस आइकॉनिक वॉर को डिपिक्ट करता है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी 1971, जब पाकिस्तानी आर्मी ने अप्रॉक्सीमेटली 4,000 सोल्जर्स के साथ इंडिया पर अटैक किया था। तब इस पोस्ट पर लोंगेवाला पर सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स ही थे, बट स्टिल उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, उनके टैंक्स और वेपन्स भी कैप्चर किए थे जो यहाँ इस मेमोरियल में रखे भी हुए हैं। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल के पास में ही है तानोट माता मंदिर। तो अभी मैं आई हूँ तनोट माता मंदिर में, जो कि लोंगेवाला का जब बैटल हुआ था तब ये वाला मंदिर जो था वो सही सलामत रहा था, बाकी सब काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो गया था साइड में, पर ये वाला मंदिर एकदम सही था। तो यहाँ माता के दर्शन करेंगे। यहाँ ऐसा मानते हैं कि क्योंकि बैटल में सिर्फ यही मंदिर रहा था तो माता रानी की कृपा थी, इस वजह से हम बैटल जीत गए। यहाँ पर काफ़ी सारे उस बैटल के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये एक विक्ट्री पिलर भी लगा हुआ है, तनोट विक्ट्री पिलर। सो काफ़ी अच्छा प्लेस है ये टू विजिट दिस प्लेस।
दर्शन करके मैं आ चुकी हूँ अब, एंड यहाँ पे पास में ही एक ट्रेनिंग कैंप है शायद आर्मी ऑफिसर्स का, तो उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है यहाँ पे। परेड होती है, जो परेड कर रहे हैं मंदिर के प्रेमिस में, प्रेमिसेस में, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील आ रही है इस मंदिर में, आगे तो आना चाहिए इस मंदिर में ज़रूर ज़रूर ज़रूर। द वीडियो आई होप आपको देखने में बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।